तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एवरेडी कंपनी का ये सेल है और इस टाइप के जो हमारे सेल होते हैं वो इस टाइप की जो हमारी सेल वाली टॉर्च आती है उसके अंदर यूज किया जाता है, या फिर जो हमारी दीवार घड़ी आती है उसके अंदर भी इस टाइप का सेल यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के सेल का यूज करके किस तरीके से अपने घर पे ही एक 12 वोल्टेज की बैटरी बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायग्राम वगैरह सब कुछ बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा सेल है सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कितने वोल्टेज का होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेल की वोल्टेज दे रखी है, ये जो हमारा सेल है 1.5 वोल्टेज का है। तो यहाँ पे अगर हमें इस सेल से 12 वोल्ट बनानी है तो हमें कितने सेल यूज करने पड़ेंगे, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर हमें इस सेल से 12 वोल्ट बनाना है तो हमें इस टाइप के 8 सेल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास काफी सारे सेल है। तो यहाँ पे ये भी हमारा एवरेडी कंपनी का ब्लू वाला है और ये हमारे पास ग्रीन वाला है। तो यहाँ पे हम इससे 8 सेल को निकाल देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें 8 सेल को निकाल लेना है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 हमारा 8। ये हमने 8 सेल निकाल लिए हैं, टोटल हमारे पास 8 सेल हो गए हैं। अब ये जो सेल है फ्रेंड, यहाँ की जो लोकल मार्केट होती है वहां पे ये मुझे मिला है 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। आपकी लोकल मार्केट में इस सेल का क्या प्राइस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे, वो देख लो। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा पहला सेल है तो प्लस हमारा आगे की तरफ है, तो दूसरे सेल का ये जो माइनस है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्लस है इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से हो गया। और उसके बाद ये जो हमारा चौथा सेल है इसका प्लस हमारा इस तरीके से रहेगा। तो इसी तरीके से हमें सारे सेल को जचाना है। प्लस हमारा इस साइड में रहेगा, फिर एक सेल का प्लस हमारा इस साइड में रहेगा, फिर इसका प्लस हम इस साइड में करेंगे और इसका प्लस हमारा इस साइड में रहेगा। तो इस तरीके से हमें सभी सेल को जचा देना है और इनके ऊपर हम हल्की सी फेविक्विक डाल देंगे ताकि ये अपनी जगह पे सारे सेल हमारे फिक्स हो जाएं, हिले डुले ना। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी सेल को फेविक्विक से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपका लिया है और पीछे की तरफ इसको मैंने डबल टेप से चिपकाया है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बैटरी हमारी फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ अब इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर कर दूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शन बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस पेज पे मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, हमने 8 सेल यूज करे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं 8 सेल बना रहा हूँ। तो मेरी जो ड्राइंग है इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया फ्रेंड तो आप बड़ी आसानी से किसी भी बैटरी को जोड़ के आप 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्टेज तक की किसी भी बैटरी को बना सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सेल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद ये हमारा 7वां सेल हो गया और यहाँ पे ये हमारा 8वां सेल हो गया, ठीक है। ये हमारे 8 सेल हो गए, 8 ही सेल हमने लिए हैं। अब इसके अंदर देखिए सेल की पोजीशन कैसे है, जैसे कि ये जो हमारा पहला सेल है तो पहले सेल का प्लस हमारा इस साइड में है, ठीक है, और दूसरे सेल का प्लस हमारा इस साइड में है। इसी तरीके से तीसरे सेल का प्लस इस साइड में और चौथे सेल का प्लस इस साइड में, माइनस हमारा इस साइड में। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ऐसे ही बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले सेल का प्लस हमारा इस साइड में है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और इसका माइनस हमारा इस साइड में है। अब उसके बाद ये जो हमारा दूसरा सेल है तो इसका प्लस हमारा ऊपर की तरफ है, माइनस हमारा नीचे की तरफ रहेगा। अब ये जो तीसरा सेल है इसका माइनस हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, प्लस हमारा नीचे की तरफ रहेगा। अब ये चौथा सेल है इसका प्लस हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, माइनस नीचे की तरफ। और उसके बाद ये जो 5वां सेल है इसका माइनस ऊपर की तरफ, प्लस हमारा नीचे की तरफ। और उसके बाद ये जो 6ठा सेल है इसका प्लस ऊपर की तरफ, माइनस हमारा नीचे की तरफ। और 7वां सेल है इसका माइनस ऊपर की तरफ, प्लस हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद ये जो 8वां सेल है इसका प्लस हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, माइनस नीचे की तरफ।
तो इस तरीके से हमने सेल को जचा रखा है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि हमारी जो एक बैटरी है वो है हमारी 1.5 वोल्टेज की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे इसके वोल्टेज को हमें प्लस करना है। तो जब भी हमें बैटरी की वोल्टेज को प्लस करना होता है तो हम हमेशा कनेक्शन सीरीज में करते हैं, और जब बैटरी के एम्पेयर को हमें प्लस करना होता है तो वहाँ पे हम कनेक्शन पैरेलल में करते हैं। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को प्लस करना है तो सीरीज में कनेक्शन करेंगे। अब सीरीज में कनेक्शन कैसे होते हैं वो देख लो आप। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी बैटरी का प्लस है, तो इस बैटरी का जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे दूसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद दूसरी बैटरी का जो माइनस है इसको हम तीसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे। अब तीसरी बैटरी का जो माइनस है इसको हम चौथी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे। अब चौथी बैटरी का जो प्लस है इसको हम पांचवी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। अब पांचवी बैटरी का जो माइनस है इसको हम छठी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे। अब छठी बैटरी का जो हमारा माइनस है उसको हम सातवीं बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। अब सातवीं बैटरी का जो हमारा माइनस है इसको हम आठवीं बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सीरीज में कनेक्शन हो गए, क्योंकि हमने एक दूसरे बैटरी के प्लस माइनस को इस तरीके से जोड़ा है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, ये प्लस हमारा बन गया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे हमें टोटल 12 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें जितनी भी बैटरी आप प्लस करते जाओगे उतने वोल्टेज हमारे प्लस होते जाएंगे। इसके आगे भी आप बैटरी लगाते जाओगे तो 12 से ऊपर भी हमारे वोल्ट बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन कर लिए। तो चलिए अब इसके अंदर भी मैं आपको कनेक्शन करके इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ कि क्या सच में हमारे वोल्ट प्लस हुए कि नहीं हुए। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में कनेक्शन बताए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी हमारी 12 वोल्टेज की बनके तैयार हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के अंदर इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को हम सबसे पहले डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये मैंने डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो इस रेड वाली प्रोब को हम प्लस के साथ में और ब्लैक वाली प्रोब को हम माइनस के साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं लाइट भी जला लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने लगाया। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि 12.53 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये बैटरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस बैटरी से मैं कुछ चीज़ें आपको चेक कराऊँ कि ये काम करती भी है कि नहीं करती। तो यहाँ पे चेक कराने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास स्टार डीप का ये 5 वाट 12 वोल्टेज का बल्ब है। तो इसको हम यहाँ से आपको सप्लाई दे के चेक कराते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। आपके सामने ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो इससे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हमारा 12 वोल्टेज का बल्ब है बिल्कुल फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने 12 वोल्टेज के बल्ब को भी इस बैटरी से जला सकते हो। अब चलिए एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे 775 ये जो 12 वोल्टेज की डीसी मोटर आती है इसको हम चला के देखते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इसको भी हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो मोटर है कितनी तेज़ी से चल रही है, और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो बहुत ही तेज़ी से ये जो हमारी मोटर है यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमने 12 वोल्टेज की बैटरी बनाई है इससे आप 12 वोल्टेज की किसी भी डिवाइस को बड़े आराम से चला सकते हो। लेकिन इसकी बस एक ही खामी है कि इस बैटरी को हम डिस्चार्ज होने पर दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। बस इसका फायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको 12 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं मिल रही 12 वोल्टेज की कोई बैटरी, तो उस टाइम पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इस टाइप की बैटरी को खरीद के खुद से एक 12 वोल्टेज की बैटरी बना के अपना काम चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।